कांग्रेस पार्टी के जिला संयोजक एवं गुरु रविदास सभा के संरक्षक त्रिलोचन सिंह ने करनाल की घरुंडा नई अनाज मंडी में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस कमेटी करनाल द्वारा 4 अप्रैल को जाट भवन परिसर करनाल में किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी तथा संविधान बचाओ सम्मेलन आयोजित कराएगी। यह सम्मेलन भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को समर्पित है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा करेंगे। इस मौके पर विधायक गीता भुक्कल, शमशेर सिंह घोगी, धर्म सिंह छोकर, भारत भूषण बत्रा, बलबीर वाल्मीकि व सुभाष देशवाल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में वशिष्ठ अतिथि पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, पूर्व विधायक सुमिता सिंह व पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता विशिष्ट अतिथि होंगे। नमस्कार, मैं जिला कांग्रेस कमेटी करनाल का कन्वीनर के साथ साथ श्री अपने गुरु रविदास सभा का पैटर्न भी हूं और 4 अप्रैल को करनाल जाट भवन में एक किसान मजदूर कर्मचारी व्यापारी व संविधान बचाओ सम्मेलन हम करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, अध्यक्षता भाई कुलदीप शर्मा जी व मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व मंत्री विधायक गीता भुक्कल जी आ रहे हैं। उनके साथ साथ हमारे करनाल के एकमात्र विधायक करनाल जिले के शमशेर सिंह जी टोपी, धर्म सिंह जी छोकर, भारत भूषण जी बत्रा, बलबीर वाल्मीकि व सुभाष देशवाल जी आ रहे हैं और पूर्व स्पीकर हरविंदर सिंह चट्ठा, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी, करनाल के विधायक पूर्व विधायक सुमिता सिंह जी और जितने भी करनाल के पूर्व विधायक हैं सभी पहुंच रहे हैं। और हमारा जो ये सम्मेलन है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जिनका जन्मदिन 14 अप्रैल को मनाया जाता है, उसको समर्पित है। हमारा जो सारा प्रोग्राम बाबा भीमराव जी अम्बेडकर जो भारत रत्न संविधान निर्माता हैं उनको समर्पित है। और ख़ास जो मुद्दा है, पिछले 4 महीने से बॉर्डर के ऊपर, सड़कों के ऊपर, दिल्ली के चारों तरफ, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में किसानों में जो त्राही त्राही मची हुई है, 3 नदियां जो उसके लेकर, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आज ना किसान के साथ साथ मजदूर भी असहाय है, व्यापारी, छोटा व्यापारी जो नोटबंदी की वजह से, GST की वजह से और लॉकडाउन की वजह से बुरी तरह पिस चुका है, तो छोटा व्यापारी जो है वो किसान के साथ जुड़ा हुआ है, मजदूर जो है वो भी किसान के साथ जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ जो कर्मचारी हैं हरियाणा के अंदर, उनके ऊपर किस टाइम तलवार लटक जाए इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। अभी जो हरियाणा के अंदर जो स्कूल बंद होने जा रहे हैं उसमें 3 लाख JBT के विधायक हैं वो भी प्रभावित होंगे। उससे पहले भी कितने लंबे समय से हमारे PTI जो है धरने प्रदर्शनों में रहे। चंडीगढ़ के अंदर हमारी जो बहनें हैं, टीचर थी, आंगनबाड़ी वाली वर्कर थी, इनके ऊपर कितनी बुरी तरह पानी के बुछारे मारे गए, लाठीचार्ज किया गया और किसी की तरफ भी कोई भी आज तारीख को करनाल में जाट धर्मशाला में ये सम्मेलन रखा गया, उसमें घरुंडाल की तरफ से हजारों किसान उसमें भाग लेंगे और व्यापारी, हमारे मजदूर भाई, कर्मचारी भाई, ये सारे मिलकर यहाँ से हम साथ चलेंगे और उस सम्मेलन को मजबूती देने के लिए, बहुत बड़ा सम्मेलन का रूप देने के लिए घरुंडा का पूरा सहयोग होगा और घरुंडा की भागीदारी कृष्ण शर्मा जी, हम सारे भाई हरेश चौक जी, सुभाष चोपड़ा जी, पवन गुप्ता जी, सारे साथी मिलकर उस सम्मेलन के लिए कार्यरत
कार्य में लगे हुए हैं और लोग उससे संपर्क करने में हम लगे हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।